हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना न्यू अपडेट्स हासिल करते रहें। इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स के जरिए आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं या अपना कोई आप सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के जरिए हमसे कर सकते हैं। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी स्किन की केयर के कुछ टोटके या कुछ नुस्खे जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छा फर्क महसूस करेंगे अपनी जिल्द में। तो उसके लिए डीप क्लींजिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हनी यानी के शहद और बेकिंग सोडा। आपने 2 खाने के चम्मच शहद और उसमें 1 खाने का चम्मच सोडा मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करें और फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद आप नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें और आपकी चेहरे से गर्दो गुबार और आपके चेहरे की क्लींजिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स दाने हैं और वो किसी तरह से भी जा नहीं रहे तो उसके लिए एक बहुत ही आसान हल बताऊंगी। आपने क्या लेना है, एलोवेरा जेल, उसमें आपने ऐड करना है लेमन। एलोवेरा जेल आप एक एलोवेरा मतलब 2 खाने के चम्मच आप एलोवेरा जेल ले लें और उसमें आपने आधा नींबू निचोड़ना है और उसमें चुटकी सी हल्दी डाल के इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ वहाँ आप इसको लगाएं और हल्के हाथ से इसको मसाज करें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर छोड़ दें और अपना चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। 2-3 दिन लगातार ये अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ शफाफ नजर आने लगेगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच